खाने का खजाना बोलो या खजाने का खाना, हैदराबाद आके ये दोनों चीजें आपको एक ही समान लगेंगी। कोई बेकरी 100 साल पुरानी है तो कोई बिरयानी 50 साल पुरानी। यहाँ सदियों से चलता आया हुआ खाना मिलेगा आपको वही स्वाद के साथ। खाने की खुशबू से लेके खाने की खुशी तक आप इस वीडियो में बोर तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो आ जाओ मेरे पहले हैदराबाद के खाने का सफर आप भी देखो। What's up guys? Welcome back to another video. मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रमोद भटीजा। कैसे हो आप सब? I hope you guys are doing really really great. And video का title देख के एंड मेरे पीछे ये आलिशान चार मीनार देख के आप समझ चुके हो हम हैं हैदराबाद में। वैसे हैदराबाद जब भी हम सुनते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है मस्त वाली एक बिरयानी या ईरानी चाय, उस्मानिया बिस्किट, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में सबसे पहले आती हैं। बट सिर्फ उसी चीज़ के लिए हैदराबाद नहीं जाना जाता। हैदराबाद एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड सिटी मैं कहूँगा इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ IT सेक्टर, और यहाँ की जो हिस्ट्री है, यहाँ का जो कल्चर है, इट्स वेरी वेल नोन। बट हम तो भाई यहाँ पे फूड के लिए आए हैं तो वो तो सबसे ज़्यादा आपको दिखाना बनता ही है। मैंने आपको सबसे पहली चीज़ ये बताई कि यहाँ का फूड बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। तो हम आ चुके हैं हैदराबाद के इस पूरे फूड टूर को कवर करने। आज हम पहला वीडियो बना रहे हैं दिस हैदराबाद स्ट्रीट फूड टूर। बहुत सारी चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलने वाली हैं, फ्रॉम डोसा टू सम उस्मानिया बिस्किट्स टू सम चाय टू सम बिरयानी टू सम बेकरीज, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलने वाली हैं। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। और 3 पार्ट्स बनाने वाले हैं हैदराबाद पे, तो मेक श्योर करना आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को डेफिनेटली दबा दो। वैसे मेरे पीछे निमरा कैफे है बट यहाँ पे हम कुछ देर बाद आएंगे, ये वीडियो शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा ब्रेकफास्ट खा के आएंगे, उसके बाद निमरा कैफे चलेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे हैदराबादी स्टाइल डोसा खाने, लेट्स गो। तो हैदराबाद स्ट्रीट फूड पार्ट 1 की शुरुआत कर रहे हैं हम डोसा के साथ फ्रॉम दिस प्लेस कॉल्ड हेमंत टिफिन सेंटर। अभी डोसा इडली सिर्फ चेन्नई में ही ऐसा नहीं है कि पॉपुलर है, यहाँ पे भी अलग वे में बनाया जाता है, यहाँ पे थोड़ा फ्यूजन वे में डोसा बनाया जाता है। तो बहुत सारी प्लेसेज हैं जहाँ पे आप ऐसे फ्यूजन डोसा खा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है एंड द वेराइटी ऑफ डोसाज हियर आर फैंटास्टिक। बटर क्रीम चीज़ मसाला बटर पनीर, इट्स वेरी डिफरेंट। आपने पूरी मेकिंग देख ली, कम से कम 15 से 20 डोसा एक टाइम पे बनते हैं, देन उससे मसाले, रेड चटनी, क्रीम चीज़ चटनी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एडेड। एंड मैंने अपने लिए बटर क्रीम चीज़ बोला है एंड वो कैसा दिखता है ये देखिए, तो ये कुछ ऐसा दिखता है डोसा। एंड ये जो डोसा अगर आप देखोगे ना, ये बहुत ही क्रिस्पी, ओ हो लुक एट दिस। यहाँ पे 2 kind of चटनी है, एक उनकी थिक वाली चटनी थी और एक पतली वाली चटनी है, मज्यूमिंग दोनों कोकोनट की है, ऊपर से थोड़ा सा क्रीम ड्रिजल किया हुआ है इन्होंने। ओ हो ये देखो अंदर ढेर सारा क्रीमी चीज़ जो फिलिंग आता है वो है, धनिया है, हल्का सा अनियन है एंड दिस डोसा इज़ वेरी क्रिस्पी। आई विल टेक सम ऑफ दैट चटनी हर। अभी मेरे को समझा कि इतने लोग क्यों हैं यार, सो क्रीमी, अ बिट ऑफ चीजी। बेस्ट थिंग इज द एंटायर कॉम्बिनेशन विद दिस वेरी डिलिशियस चटनी। यहाँ पे हल्की सी उन्होंने क्रीम चीज़ भी डाली थी, नॉर्मल चीज़ भी डाली थी, ढेर सारा घी, एंड ये जो उनका आलू है ना अंदर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ऊपर से हल्की सी क्रीम, एंड ये देखो कि ना वेरी क्रिस्पी एंड क्रंची डोसा। इट्स अ बिट मेसी टू ईट बट इट्स वर्थ इट, लाइक कम्प्लीटली वर्थ इट। The creaminess and heaviness is good balance, not overpowering. One thing which I really like here is how the dosa is crispy from the outside and soft from the inside. इतना क्रीम चीज़ एंड मसाला डाला हुआ है दैट इसका जो सॉफ्टनेस है, क्रिस्पीनेस है, एवरी वे में बैलेंस्ड है और मेंटेन हो रहा है। धनिया, अनियन, थोड़ा सा आलू, इट्स नॉट स्पाइसी अप एंड दिस चटनी वेरी सिंपल, कोई भी इसमें धनिया मस्टर्ड सीड्स नहीं है। द चटनी इज नाइस क्रीमी थिक, ऐसा लगता है बस कोकोनट की पेस्ट है, दैट्स इट। It's one delicious start to this Hyderabad food tour, I must say. Huh?
आज की नेक्स्ट जगह जो हम लोग आ चुके हैं चार मीनार के एकदम बगल में, वो है निमरा कैफे एंड बेकरी। इट्स अ वेरी पॉपुलर स्पॉट फॉर हैविंग टी, बन मस्का, कुकीज जो हम यहाँ पे ले आ चुके हैं। वी हैव गॉट एन असॉर्टमेंट ऑफ ऑल द कुकीज जो भी यहाँ पे पॉपुलर है। ये प्लेस बहुत पॉपुलर है, 1993 से यहाँ पे सर्व करते हैं। एंड थ्रू आउट द हैदराबाद जैसे आपको बहुत सारे स्पॉट्स मिलेंगे टू हैव ईरानी चाय, इन पीपल्स ओपिनियन, लोकल्स ओपिनियन ये प्लेस स्टैंड आउट होती है इन टर्म्स ऑफ ऑल ऑफ दीज डिशेज। यहाँ के उस्मानिया बिस्किट्स काफी अच्छे होते हैं ऐसे मैंने सुना है। तो ये देखिए यहाँ पे इन टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकीज हैं। साथ में है यहाँ पे दो चाय, ये उस्मानिया है, ये बटर है, ये चॉकलेट चिप है, ये जाम वाला है, देर इज वन इन कोकोनट, आई गेस दिस इज कोकोनट, कौन सी क्या है वो खाके मालूम पड़ेगा। सबसे पहले विल टेक दिस वन, ओके। ओहो हो, बहुत ही क्रिस्पी एंड गिव्स अ नाइस क्रम्बी टेक्सचर। जो भी ये कुकी है कौन सी है वो खाके मालूम पड़ेगा, बहुत अच्छे से बेकी गई है। यू कैन सी दैट इंटायर ब्राउन कलर। ओह दिस इज बटर, वेरी क्रिस्पी, गिव्स अ नाइस स्मूदी सिल्की फ्लेवर। चाय जरूरी है। ओह क्या चाय है भाई, वो दिस चाय इज फैंटास्टिक, नाइस कड़क कम शक्कर, वेरी गुड। अभी उस्मानिया बिस्किट खाएंगे, उसको ज़्यादा टाइम वेट नहीं करेंगे क्योंकि वो पहचान है ये हैदराबाद की। अब इसके पीछे हिस्ट्री बताऊंगा, उस्मानिया बिस्किट का नाम ऐसा क्यों है। आज ये देखो सबसे पहले, ये कुछ ऐसा होता है, काफ़ी क्रम्बी टेक्सचर होता है, एकदम बेसिक इंग्रेडिएंट से ही बनता है ये। ये बनता है मैदा, शक्कर, इलायची सबसे इम्पोर्टेंट इसका एस्पेक्ट होता है क्योंकि उससे इसका ये फ्लेवर आता है। इट मेल्ट्स इन योर माउथ, इट्स बटरी, हल्का इलायची का टेस्ट, और इट्स फैंटास्टिक। ज़्यादा क्रिस्पी नहीं है, इतना सॉगी कुछ भी नहीं है। वैसे उस्मानिया बिस्किट जो ये नाम है वो उस टाइम के जो हैदराबादी रूलर थे, जो द लास्ट रूलर जिसका नाम था उस्मान अली खान, उनके नाम पे ये बिस्किट रखा गया था। तो दैट इज़ द हिस्ट्री हियर। वेरी गुड बिस्किट, बहुत बटर है इसमें, तो ये पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये हैदराबाद की शान है, हैदराबाद की जितनी बिरयानी शान है उस्मानिया बिस्किट भी ये उतना ही पॉपुलर है। अब देखो ये बहुत सारे बिस्किट हैं, हर एक बिस्किट का मैं आपको प्रॉपरली शायद ना बताऊं क्योंकि बहुत सारे बिस्किट हैं। अभी हर एक बिस्किट खाएंगे आपको बताएंगे, बहुत टाइम निकल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये उस्मानिया बिस्किट था जो बहुत ज़्यादा अच्छा था, उसके बारे में आपको बता दिया। रेस्ट सब अच्छे ही होंगे यार, खराब नहीं होंगे। आज की नेक्स्ट जगह जो हम लोग आ चुके हैं टू हैव अ लाइट स्नैक इज अ सुभान बेकरी। वैसे बेकरी तो हम लोगों ने पहले भी की, बट वो जो बेकरी है जो हम लोग ने निमरा कैफे की, उसको हम लोग ने थोड़ा कुकीज़ और चाय सेंट्रिक रखा इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरिंग दैट बेकरी। इस बेकरी में हम लोग थोड़ा सेवरी स्नैक्स खाएंगे और फिर से हम उस्मानिया बिस्किट्स खा रहे हैं क्योंकि उस्मानिया बिस्किट्स बोलते हैं कि जितना निमरा के अच्छे हैं तो उतने ही सुभान के अच्छे हैं। साथ में हमारे पास है दम का रोट विच इज़ ऐसा बिस्किट। यहाँ पे सेवरी स्नैक्स में मेरे पास है चिकन कटलेट, वेज पफ एंड चिकन बटर बॉल। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेज पफ है, यहाँ पे चिकन कटलेट है, एंड दीज आर लाइक चिकन बटर बॉल्स, सॉर्ट ऑफ फ्राइड लग रहे हैं, एंड यहाँ पे दम का रोट है। चलो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे ये वेज पफ, विल काइंड ऑफ ब्रेक इट डाउन एंड फर्स्ट इंप्रेशन क्रिस्पी खस्ता। ये देखो ऐसा क्रम्बल हो रहा है, यहाँ से मुझे हल्का हल्का कैरेट दिख रहा है। ये जो वेज पफ है ना, ये देखो सो क्रम्बली एंड इट हैज़ दैट नाइस, वेरी नाइस टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ बटर। ये क्रिस्पी है, हल्का सा इसमें वो ग्रेसी जो ऑयली टेस्ट आता है बेक करने के बाद, वो मुझे बहुत अच्छा आ रहा है। अंदर जो वेजीज हैं उसमें पीस है, कैरेट है, हल्का सा आलू है। फिलिंग इज़ अ बिट स्पाइसी, फिलिंग अगर थोड़ी ज़्यादा होती तो मज़ा आता खाने में, बिकॉज फिलिंग मुझे कम लग रही है। नेक्स्ट अप इन द नॉनवेज सेक्शन भी है पर चिकन कटलेट, चिकन बटर बॉल्स। सबसे पहले देखते हैं चिकन बटर बॉल क्या है। ओ हो हो, दिस इज़ लाइक मॉइस्ट चिकन, लुक एट दिस मॉइस्ट चिकन, मिंस्ड है, हल्का सा धनिया है, थोड़ा थोड़ा जीरा है यहाँ पे। समथिंग वेरी डिफरेंट, जो चिकन होता है ना उसका रशा किया होता है, उसके बाद उसका एक बॉल बनाया जाता है, मीट बॉल वैसा है, बट दिस इज़ इनिशियली थोड़ा स्वीट टेस्ट करता है,
उसके बाद हल्का सा ये स्पाइस किकिंग कर रहा है, हल्का हल्का इसमें गाजर डाला है, बिकॉज वो स्वीटनेस मुझे लग रहा है गाजर में से ही आ रही है। फिलिंग में कुछ भी नहीं है, मिन्स चिकन है, थोड़ा मसाला है, धनिया, दैट्स इट। नेक्स्ट अप इज दैट चिकन कटलेट। ओ हो, दिस समवॉट लुक्स द सेम लाइक द कटलेट एंड दैट बटर बॉल लुक्स वेरी सिमिलर। वो इट्स द सेम, मेरे को लगा कि कुछ अलग होगा, दोनों सेम है, फ़र्क सिर्फ इतना है ये चिकन का बॉल था, ये चिकन की एक फ्लैट काइंड ऑफ कटलेट या पैटी बोल सकते हो, कुछ भी फ़र्क नहीं है। अगर एक चीज़ खाओगे दूसरी नहीं भी खाओगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेस्ट में कुछ फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट अप इज देयर दम का रोट, और ये जो दम का रोट है ये मैंने इसको ऐसा होल्ड किया हुआ है क्योंकि जैसे ही मैंने इसको पिक किया ये मेरे हाथों से टूट गया, बट कोई बात नहीं, रिटेक करेंगे आपको दिखाएंगे। ये कुछ ऐसा होता है ये दम का रोट, दम का रोट का मतलब ये होता है जो चाय की प्याली होती है ना, जो सॉसर बोलते हैं, उसके साइज़ जितना, लाइक वो प्याली जितना ये बड़ा सा एक काइंड ऑफ बिस्किट होता है या कुकी बोल सकते हो। ये बनता है सूजी, नट में यानी जायफल, देन घी, शक्कर, ढेर सारे नट्स, जैसे ऊपर से बादाम आपको दिखेगा, हल्का से यहाँ पे पिस्ता दिखेगा, आपको काजू दिखेगा। ये बहुत बड़ा होता है साइज में, एंड घी इसका सबसे ज़्यादा एलिमेंट होता है, एंड इलायची भी इसमें ढेर सारी जाती है। इट्स स्वीट, एक्सट्रीमली क्रंची। जैसे मैंने इसका फर्स्ट बाइट लिया एक क्रम्बली फटने वाला टेक्सचर आ गया मेरे मुँह में, एंड ढेर सारा घी डाला गया इसमें। अब क्योंकि बनता है सूजी से, सेमोलिना जिसको बोलते हैं, तो इसके वजह से इसकी जो क्रंचीनेस है बेक करने के टाइम के इस कुकी को या बिस्किट को बहुत ही ज़्यादा है। एंड जायफल भी डाला गया, उसका अच्छा खासा एक खुशबू और फ्लेवर आ रहा है। इलायची है, उसका भी इसमें फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ रहा है। ये बोल दो या आप उस्मानिया बिस्किट बोल दो जो हम खाने वाले हैं, इन बिस्किट्स इन कुकीज़ में इलायची का बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। ये देखो कितनी क्रिस्पी है, टूट जा भाई, ये देखो क्रिस्पी, क्रंची एंड हल्का सा वो डार्क ब्राउनिश टेक्सचर। वेरी गुड। अभी लास्ट हम खाएंगे सुभान बेकरी के प्रसिद्ध उस्मानिया बिस्किट। चलो ये खोला जाए, एंड ऐसे हैं ये सारे उस्मानिया बिस्किट। पैकेजिंग ये मैंने छोटा वाला बॉक्स लिया हुआ है, प्राइसेस मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, 10-15 पीसेस तो आराम से ही होंगे। ये कुछ ऐसा दिखता है, चलो इसको थोड़ा तोड़ा जाए। ओ हो हो, ओ शानदार। ये मेरे घर में इमेजिन कर रहा हूँ, मैं हॉल में बैठा हुआ हूँ, साथ में मेरे शाम की चाय है, उस्मानिया बिस्किट सुभान बेकरी की हो सकती है मेरे साथ घर पे। ये मेरे को निमरा कैफे से थोड़ा बेटर लगा, बहुत सिमिलर लाइंस में है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, बट इट हैज़ दैट एक्स्ट्रा एज इन टर्म्स ऑफ दैट बटरी क्रिस्पी क्रम्बलीनेस। इट्स जस्ट फैंटास्टिक, गुड अमाउंट ऑफ बटर, हल्का सॉल्टीनेस, इलायची का बहुत अच्छा फ्लेवर एंड टेस्ट। सुभान बेकरी के बारे में आपको हिस्ट्री बताई नहीं मैंने, यहाँ के जो ओनर हैं उन्होंने 125 ईयर्स से ये उस्मानिया बिस्किट्स एंड कुकीज़ बेचा करते थे, एंड देन उन्होंने 1948 में ये शॉप बनाई उनके बेटे के नाम पे, सुभान उनके बेटे का नाम था। ये थोड़ी सी हिस्ट्री इस जगह पे, मुझे लगा कि मैं इतना खा तो रहा हूँ आपको हिस्ट्री बता नहीं रहा हूँ। दैट इज़ वन थिंग टू टेक अ नोट ऑफ। आज की नेक्स्ट जगह जो हम लोग आ चुके हैं इन क्राउडेड एंड बसलिंग बंजारा हिल्स के नीचे मेन रोड पे इस फ्रेंड शॉर्मा। ये प्लेस इज़ वेरी पॉपुलर फॉर शॉर्मास, एंड बहुत सारे प्लेसेस हैं एनीवेज पूरे हैदराबाद में सर्विंग रियली गुड शॉर्मास, ये उन्हीं एक प्लेसेस में से। वैसे शॉर्मास हैदराबाद में बनाने का तरीका थोड़ा अलग है, मैं जैसे मुंबई में या जहाँ मैं कल रहता हूँ कल्याण में, वहाँ जहाँ शॉर्मा होता है वो पीटा ब्रेड में या खबूस उसमें बना के ज़्यादा डालते हैं, यहाँ पे हैदराबाद में रुमाली शॉर्मा ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। द वे दे वर प्रिपेयरिंग दैट एंटायर शॉर्मा, बहुत अच्छे से मैरिनेटेड चिकन लगी हुई थी, एंड देन व्हाट इट इज़ उन्होंने मोटी सी रुमाली रोटी ली, देन वो ढेर सारा मिन्स चिकन, यहाँ पे चिकन को ऑलमोस्ट समझ लो कि कीमे जैसा ही बहुत छोटे छोटे पीसेस में डाला। उन्होंने एक वाइट कलर की सॉस डाली, दैट वॉज द ओनली थिंग विच दे एडेड। इनफैक्ट मैं आया, मेरा शॉर्मा बन गया 2-3 मिनट में, हम खाने में बैठ गए, दैट वॉज वेरी क्विक। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको रोटी की अच्छी खासी लेयर्स दिखेंगी, बीच में ढेर सारे जूसेस, दैट इज़ द सॉसेस जो हम डलवाए थे, इनफैक्ट एक ही सॉस थी, एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चिकन। अब वील हम इसको खोल देंगे ऐसे, ये कुछ ऐसा दिखता है, वेरी नाइस हॉट। इट्स सिंफुल, एक बाइट में मुझे लगा ढेर सारा चिकन, बस ऐसा मिन्स चिकन मैंने हाथों में लेके बस खा लिया रोटी के साथ।
फैबुलस, दिल खुश करने वाला शॉर्मा है। ये देखिए यहाँ पे चिकन है ना, बहुत अलग है कम्पेयर टू द वन विच आई हैव हैड पर्सनली। चिकन ढेर सारी मैरिनेटेड है अंदर से, देख चिकन देखोगे ना कितनी ज़्यादा मैरिनेटेड है, एकदम छोटे छोटे चंक्स में डाली गई है। एंड हल्की उनकी जो व्हाइट सॉस थी इट वॉज मोर लाइक, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो मेयोनीज है क्योंकि उसकी स्वीटनेस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। इट कैन बी काइंड ऑफ अ क्रीम सॉस, गार्लिक सॉस बोल सकते हो। इट्स अ बिट हैवी, इट्स अ बिट क्रीमी। एंड रोटी, लुक एट दिस, ये रोटी देख रहे हो, रोटी एकदम पतली ले रही है। एंड ऑनेस्टली एक इंसान तो ये शॉर्मा बहुत ईजिली खाएगा, उसको बिल्कुल हैवी नहीं लगेगा क्योंकि इसके अंदर और बिल्कुल वेजीज नहीं जाती है। दिस इज अ विदाउट सैलड शॉर्मा विच मेक्स इट वेरी नाइस सिंपल। अमेजिंग मिंस्ड चिकन, हल्की सी क्रिस्पी भी है क्योंकि चिकन इतने छोटे छोटे हैं कि वो क्रिस्पी भी हो जा रहे हैं ज़्यादा टाइम वो ग्रिल पे इसको गर्म करने से। एंड दिस अनबिलीवेबली सॉफ्ट एंड लाइक पिलोवी रोटी। हम काचीगुड़ा से ऑल द वे आए हैं आधा घंटा ऑटो में बैठ के यहाँ का शॉर्मा ट्राई करने, क्योंकि मैंने सुना था यहाँ का शॉर्मा एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। एंड इट्स वर्थ इट। एंड अगर आपके लिए ये वीडियो वर्थ इट है देखना अभी तक, प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, हम लोग 1,00,000 सब्सक्राइबर्स पहुँचेंगे। अनबिलीवेबली डिलीशियस सॉफ्ट रोटी, love it। तो लंच के लिए फाइनली द मोस्ट अवेटेड डिश जो इस वीडियो में सब तड़प रहे होंगे देखने के लिए, खाने आ चुके हैं हम बिरयानी, लेकिन उससे ज़्यादा लोग जो तड़प रहे हैं ये देखने के लिए कि मैं इस पूरे फूड टूर की पहली वीडियो की पहली बिरयानी खाने का आया हुआ हूँ। लेकिन सबसे पहली बिरयानी हम खाने आ चुके हैं कैफ़े बहार में। कैफ़े बहार इज़ अनदर वेरी पॉपुलर प्लेस फॉर बिरयानी, जैसे मैं बात ही कर रहा था हमारे पास मेन्यू यहाँ पे आ चुका है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू हैव बिरयानी। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी भीड़ ऑलरेडी है, स्टाफ हमारे ऊपर ऑलरेडी खड़े हुए हैं कि थोड़ा जल्दी हम ऑर्डर दें। मैं आपको फटाक से मेन्यू दिखाता हूँ एंड देन खाते खाते जगह के बारे में बात करेंगे और बिरयानी कौन सी फेमस है, कैसे बनती है, उसके बारे में बात करेंगे। और मैं सबसे पहले आपको एक बार मेन्यू दिखा देता हूँ इसका। यू विल गेट ग्रेट वैरायटी ऑफ बिरयानी, चिकन, मटन, एग, एंड यहाँ पे आपको तंदूरी कबाब भी मिल जाते हैं फुल हाफ, विच एवर यू वॉन्ट। Also not to forget you get Chinese food here as well. So the variety is very very good. Without wasting further time, फटाफट बिरयानी ऑर्डर कर लेते हैं। तो हमारी चिकन दम बिरयानी स्पेशल हैदराबादी बिरयानी आ चुकी है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इट वाज वन ऑफ माय लॉन्ग ड्रीम्स जो मैंने बहुत टाइम से रखा हुआ था कि मैं यहाँ पे आके बिरयानी खाऊंगा। हैदराबाद की बिरयानी तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो पहली शुरुआत कैफे बार की चिकन दम बिरयानी से कर रहे हैं। ये एक पोर्शन है जिसमें एक सिंगल पीस आता है, ये कुछ ऐसी दिखती है। मॉम ने अपनी एक बिरयानी भी मंगवा दी है। यहाँ पे बिरयानी है अभी, ऑफकोर्स यहाँ पे बिरयानी हाथों से ही खाने का। अगर आप बिरयानी के चावल की ग्रेन्स देखोगे इतने लंबे लंबे चावल है, ये एक ह्यूज पीस ऑफ चिकन एंड ढेर सारे यहाँ पे दम मसाला। ये देखो गुड अमाउंट ऑफ मसाला चिकन। हैदराबादी स्पेशल बिरयानी ऐसे बनाई जाती है कि जो चिकन या मटन होता है उसको दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट, घरेलू मसाले, खड़े मसाले जैसे क्लोव्स, कार्डमम, क्यूमिन, इन सारे मसालों के साथ मैरिनेट करके रखा जाता है। एंड देन उसके ऊपर पार्शली कुक राइस डाले जाते हैं। 4 layers ऑफ पार्शली कुक राइस डाल के उसको स्लोली कुक किया जाता है दम पे। दम मीन्स अ स्लो मेथड ऑफ कुकिंग राइस एंड मैरिनेटेड चिकन और मटन टुगेदर। ये आपको समझा दिया, इसके बारे में और बाद में करेंगे। पहले आई विल टेक सम ऑफ दैट चिकन। इट्स वेरी हॉट, लाइक ओ हो हो। ये देखो, लुक एट दिस चिकन, मैरिनेटेड एंड कुक सो वेल। ओ, द वेट वॉज वर्थ इट ऑल दीज इयर्स। जो क्लोव्स होते हैं, कार्डमम होता है, उसका जो फ्लेवर एंड खुशबू है वो नाक में लेजिट हिट हो रहा है डायरेक्टली। ये चिकन का पीस देखिए, कोई भी चिकन बिरयानी बोलो या मटन बिरयानी बोलो, उसका मेन एसेंस शुड बी द मीट शुड बी एब्सोल्युटली टेंडर। ये देखो कितना टेंडर है ये चिकन का एक लंबा पीस। एंड एट द सेम, ओह लुक एट दिस, एकदम सेपरेट हो गया ये बोन से ये चिकन। ये इतनी स्पाइसी नहीं है, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट स्पाइसी, इट्स ग्रेट अमाउंट ऑफ फ्लेवर्स, कुक्ड वेरी वेल। ये देखिए हल्के हल्के मसाले एंड ये चावल, ओ हो हो, एकदम खिले खिले से बहुत अच्छे चावल है, खड़े मसालों का बहुत अच्छा खासा टेस्ट। हल्का सा ये हम मिर्ची का सालन डाल देते हैं, ओ हो हो, ऑलवेज मेक श्योर टू हैव योर बिरयानी विथ हैंड्स। मिर्ची के सालन के साथ इट इज़ फैंटास्टिक, गुड फ्लेवर्ड एंड माइल्ड स्पाइसी राइस। अगेन हल्का सा स्पाइस अभी अभी आ रहा है, मे बी बिकॉज मैंने मिर्ची का सालन लिया इसीलिए।
हैदराबादी जो बिरयानी होती है उसकी स्पेशलिटी सबसे पहले टेस्ट से भी ज्यादा उसकी खुशबू होती है। कैसे हम खाना आंखों से खाते हैं सबसे पहले, ये सही चीज है। इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा हैदराबाद की बिरयानी खाने के टाइम। ओवरऑल ये बिरयानी किसी सपने से कम नहीं थी, जैसे सपना सच हो जाता है वैसा यहाँ पे मेरे को फील हुआ खा के। चिकन का इतना बड़ा पीस, फैंटास्टिक। बस हम फटाफट खाएंगे, अब आगे बढ़ेंगे इस फूड ट्रेल के साथ। और ये बिरयानी के तो क्या ही कहने भाई। मिर्ची का सालन मत भूलना गाइस, मिर्ची का सालन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये डाल दिया मिर्ची का सालन। नेक्स्ट अप हम लोग खा रहे हैं फेमस, लाइक बहुत ही फेमस हैदराबादी मिठाई जिसको बोलते हैं डबल का मीठा। ऑल्सो काफ़ी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में इसको शाही टुकड़ा भी बोलते हैं। और डबल का मीठा मतलब ब्रेड जो होती है उसके छोटे पीसेस किए जाते हैं, देन उसको घी में तला जाता है जब तक वो क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, ये देख सकते हो यहाँ पे। उसको निकाल के देन एक दूध का मिक्सचर तैयार किया जाता है जिसमें खोया, काजू, ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं, हल्की सी खसखस डाली जाती है, वो सब डाल के दूध का मिक्सचर बनाया जाता है। फिर वो दूध के मिक्सचर को ब्रेड के ऊपर डाला जाता है एंड ये सब करने के बाद एंड किया जाता है चाशनी के साथ। दिस इज हाउ दिस लुक्स लाइक, बहुत सारा घी एंड लॉट्स ऑफ नट्स। वाज सो गुड। एकदम गरम ब्रेड है, डिसेंटली सोक्ड है चाशनी में, घी का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, हल्का हल्का खोया, दूध, देन कैश्यूज का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। ये बहुत ही सॉफ्ट है, ये देखो हाउ सॉफ्ट इट इज़, घी ऐसे निकल रहा है, ढेर सारे नट्स हैं यहाँ पे। अगेन इसमें भी कार्डमोम का बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आ रहा है, सिनेमन भी जाता है इसमें। बहुत ही पॉपुलर ये हैदराबादी एक मिठाई है। बिरयानी के साथ कुछ मीठा ना खाओ तो अधूरा लगता है, एंड यहाँ का डबल का मीठा काफ़ी फेमस है। तो ये तो एक पावर पैक्ड हमारा लंच हो गया। अब कुछ देर ब्रेक लेंगे, थोड़ा घूमेंगे, उसके बाद शाम को भी कुछ चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो आज की लास्ट जगह जो हम लोग आ चुके हैं, इट्स अ वेरी पॉपुलर बसलिंग एंड अ वेरी क्राउडेड चाट स्पॉट इन एंटायर हैदराबाद कॉल्ड एज गोकुल चाट। बहुत सारा क्राउड यहाँ पे आया हुआ है, अगर आप देखोगे अपनी स्क्रीन पर देयर आर सो मेनी पीपल, इतनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। मेनू भी आप देखोगे ढेर सारी वैरायटी है इन टर्म्स ऑफ देयर हॉट चाट विच मीन्स रगड़ा पैटीज, रगड़ा समोसे, मिर्ची भजी एंड ऑल दैट, एंड कोल्ड में भी आप देख सकते हो बहुत सारी वैरायटी है। मैंने पहली चीज़ जो यहाँ पे ले ली है वो है कटलेट रगड़ा, विच मीन्स आलू का कटलेट रहता है उसके ऊपर वो लोग रगड़ा डालते हैं, ये कुछ ऐसा दिखता है, ढेर सारा ऊपर से सेव है। ये यहाँ पे आलू का कटलेट है, पहला बाइट हमारा ये कटलेट रगड़ा। ओ हो हो, धनिया है, कांदा, ढेर सारा सेव। स्पाइसी, इट हिट्स यू पहले दो सेकंड में ही। अगर मैं आपको ये आलू का कटलेट दिखाऊं, ये देखो अंदर येलो आलू का पैटी है जिसको कटलेट बोल रहे हैं, एंड ये जो रगड़ा है ये इन्होंने कम्प्लीटली मैश नहीं किया हुआ है, लाइक इट्स बॉइल्ड बट हल्का सा उसका वो रॉ क्रिस्पी टेक्सचर एंड टेस्ट आ रहा है। इस चटनी सा स्पाइसी, हल्का रेड चिली पाउडर का भी टेस्ट यहाँ पे बहुत सारा अच्छा आ रहा है। ढेर सारा यहाँ पे सेव डाला हुआ है, हल्का सा कांदा, इनफैक्ट हल्का नहीं बहुत सारा कांदा यहाँ पे डाला हुआ है, स्पाइसी क्रंची। फॉर 60 rupees इट्स अ गुड डील। सॉफ्ट सॉफ्ट आलू एंड अ बिट क्रंची एंड सॉफ्ट रगड़ा, अ वेरी गुड मिक्स ऑफ फ्लेवर्स एंड स्पाइस। आलू के अंदर कुछ भी मसाले, जीरा, चिल्ली, कुछ भी नहीं, जस्ट अ वेरी नाइस सटल एंड अ डिलीशियस प्लेट ऑफ रगड़ा एंड कटलेट। अब यहाँ पे इनके मेन्यू में था कट मिर्ची दही, विच मीन्स कट किया मिर्ची के भजिए को, देन ऊपर डाली दही, थोड़े मसाले, ये देखो ढेर सारा मसाला, चटनियाँ, सेव, धनिया, दैट्स इट। ये जो आप देख सकते हो दैट इज़ द ओनली थिंग, ये कुछ ऐसा दिखता है। ओ आई लाइक दिस मोर देन द कटलेट रगड़ा। भाई इससे बेटर हैदराबाद पार्ट वन की एंडिंग नहीं हो सकती थी। अगर आप ये मिर्ची भजी देखोगे, ये देखो ये मिर्ची भजी कितना मोटा है, अच्छा खासा बेसन का टेक्सचर है यहाँ पे, कच्चा नहीं है, फ्राइड वेरी वेल। बेस्ट पार्ट इज़ ये मिर्ची भजी उन्होंने अभी गरम गरम तला था तो इसका वो हॉट फ्लेवर एंड टेक्सचर एंड टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है मुँह में, एंड ये दही एकदम ठंडी। आप ये दही में येल्लो येल्लो अगर आप देखोगे कलर आ रहा है, ये इनकी कोई तो सॉर्ट ऑफ चटनी है जो हल्की सी मीठी और खट्टी है। तीखापन के लिए उन्होंने ये जो साइड मसाला देख रहे हो ये यूज़ किया है फॉर द स्पाइस एंड द क्रंच ऑफ दिस सेव। एंड जो मिर्ची है वो स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट अच्छा मिर्ची है, बड़ा वाला है, हल्का स्पाइस बोल सकते हो। मिर्ची का भजी एकदम मोटा है, क्रिस्पी क्रंची, हल्का सा सॉफ्ट भी है, फैंटास्टिक, लाइक 10/10।
सो गाइज दैट वॉज इट फॉर दिस फर्स्ट वीडियो ऑफ हैदराबाद फूड सीरीज। अगर आपको लगा कि ये पहले वीडियो में बहुत नॉनवेज किया तो डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो हम सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन फूड करेंगे, सो देयर विल बी ओनली वेज फूड। सो इफ यू आर अ वेजिटेरियन, यू थॉट यार इस वीडियो में हम लोग को थोड़ा और वेजिटेरियन देखने को मिलता तो मजा आता, डोंट वरी, वो कर देंगे सेकंड पार्ट में। ये वीडियो यहीं तक था, और 3 वीडियोस आने वाले हैं, नेक्स्ट वेज फूड आएगा। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो ताकि वेज फूड जब आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज आई ऑलवेज से पीस।